नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं आपके साथ। मैं हूं विद्यनाथ झा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें एक साथ आपको दिखाते हैं न्यूज 100। लंदन में ब्रिटिश संसद के बाहर आतंकी हमले में 5 की मौत, 40 घायल। मरने वालों में एक पुलिस अफसर और संदिग्ध हमलावर शामिल। हमलावर ने पहले संसद के पास कार से मारी टक्कर, फिर कार से उतरकर पुलिस अफसर को मारी चाकू। बाद में सुरक्षा कर्मियों ने हमलावरों को मार गिराया। अभी तक हमलावर की पहचान नहीं, किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं ली है जिम्मेदारी। आतंकी हमले के वक्त संसद में थी प्रधानमंत्री थेरेसा, हमला होते ही कार में बैठाकर ले जाया गया संसद से बाहर। ब्रिटिश पीएम ने घर पर की इमरजेंसी मीटिंग, कहा आतंक के आगे नहीं झुकेगा देश, ऐसे हमलों से लंदन को कुछ नहीं होगा। आतंकी हमले के दौरान लंदन में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर दी जानकारी। पीएम का ट्वीट पर आतंकियों के खिलाफ संदेश, आतंक के खिलाफ जंग में साथ है भारत। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की लंदन हमले की निंदा, ब्रिटेन को हर संभव मदद का भरोसा, ब्रिटेन के पीएम से की बात। फ्रांस के राष्ट्रपति ओलान ने भी लंदन हमले की निंदा की है, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन के साथ है फ्रांस। नवाज शरीफ के खिलाफ पाकिस्तान में फतवा, होली के प्रोग्राम में जाने पर लगाई इश निंदा का आरोप। देश आज मना रहा है शहीदी दिवस। आज ही के दिन 86 साल पहले शहीद आजम, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। शहीदी दिवस पर पीएम ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दी श्रद्धांजलि, कहा देश उनकी हिम्मत और बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। यूपी के सभी मंत्री आज अपने विभाग के अधिकारियों के साथ स्वच्छता की शपथ लेंगे, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा दिलाएंगे शपथ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया मंत्रियों के विभाग का बंटवारा, गृह मंत्रालय समेत 37 मंत्रालय रखे अपने पास। यूपी के 11 जिलों में एंटी रोमियो स्क्वाड सक्रिय, कई शहरों में मनचलों के खिलाफ कार्रवाई, कांग्रेस ने कहा पुलिस को मिला मनमानी का अधिकार। झांसी और बांदा में भी दिखा एंटी रोमियो सेल का असर, शहर की मुख्य जगहों पर होटल्स में अभियान, शोधों और मंचलों को खदेड़ा। यूपी के सीएम योगी का बड़ा फैसला, सभी सरकारी दफ्तरों में गुटखा और पान मसाले पर बैन लगाया। बुजड़खाने पर योगी सरकार का एक्शन प्लान तैयार, पूरे प्रदेश में गौ तस्करी पर रोक, कानून व्यवस्था की भी समीक्षा। यूपी के सीएम ऑफिस में आज गोरखपुर से लाई गई जाएंगी गायें, मुख्यमंत्री निवास में खासतौर पर बनाई गई है गौशाला। अवैध बुजड़खाने पर योगी सरकार की नकेल, मेरठ में बीएसपी नेता के एक बुजड़खाने समेत अब तक 6 बुजड़खाने सील। कानपुर और संभल में भी अवैध बुजड़खाने पर एक्शन, दोनों शहरों के करीब आधा दर्जन बुजड़खानों पर छापा मारा गया। आदरस में कुछ लोगों ने मीट की 3 दुकानों में आग लगा दी, दुकानदारों ने साजिश का लगाया आरोप। बागपत में मीट की अवैध दुकानें बंद कराने पहुंची पुलिस पर विरोध, हमला कार्रवाई से नाराज मीट कारोबारी उतरे सड़क पर। बीएसपी नेता की हत्या के मामले में सीएम योगी का डीजीपी को निर्देश, बिना दबाव के निष्पक्ष हो जांच। नोएडा सेक्टर 20 की 13 पुलिस कांस्टेबल सस्पेंड, अवैध उगाही का आरोप। मुरादाबाद में पुलिस वालों ने शुरू किया सफाई अभियान, पुलिस थानों की सफाई करते दिखे अधिकारी। यूपीएससी में भर्ती की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक, चीफ सेक्रेटरी के आदेश पर लिया गया है यह फैसला। मंदिर मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान, मौलाना खालिद रशीद ने कहा कोर्ट के बाहर समझौते को तैयार। अयोध्या के मुद्दे पर कानून के मुताबिक हो काम, खालिद रशीद बोले मुसलमान भी मंदिर बनाने के पक्ष में। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा फैसला नहीं हुआ तो विधेयक लाकर बनाएंगे राम मंदिर, 2018 में राज्यसभा में होगा बीजेपी का बहुमत। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा सुब्रमण्यम स्वामी को नहीं है सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा, कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लालू यादव ने कहा सुप्रीम कोर्ट की सलाह अंतिम फैसला नहीं, कोर्ट ने सिर्फ बातचीत का रास्ता बताया। अयोध्या मामले पर वक्फ बोर्ड ने कहा सिर्फ पब्लिसिटी पाना चाहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी, अयोध्या मामले पर पहले सुनवाई जरूरी। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जलानी ने कहा अपनाया कड़ा रुख, कहा नहीं होगी बात, सुप्रीम कोर्ट करे फैसला। लॉ कमीशन का सरकार को अहम सुझाव, सिर्फ आतंकवाद से जुड़े अपराध में ही हो सजाए मौत। ईवीएम पर बोले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, पूरी दुनिया बैलेट पेपर की तरफ लौट रही है, हमें भी करना चाहिए विचार। एमपी विधानसभा में आदिवासियों के अपमान पर विवाद, सिलेबस की किताब में गोंड शब्द का गलत अर्थ लिखने पर हंगामा, कांग्रेस ने कहा माफी मांगे सरकार। गुजरात कला प्रतिष्ठान ने पीएम मोदी को भेंट की चुनिंदा पेंटिंग्स,
वडनगर में आयोजित कार्यक्रम में बनाई गई 600 में से 25 पेंटिंग दिल्ली में गिफ्ट। बीजेपी की मांग पर दिल्ली की सरकारी योजनाओं से हटेगा आम आदमी शब्द, एमसीडी चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग का फैसला। 24 मार्च से एमसीडी चुनाव के लिए कैंपेन शुरू करेगी कांग्रेस, कैंपेन का नाम होगा दिल्ली की बात दिल के साथ। एमसीडी चुनाव प्रचार में कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू को भी बुलाएगी कांग्रेस, सभी मौजूदा पार्षद को टिकट समझ। क्लास 6 से 9 तक के लिए सीबीएसई का नया एग्जाम फॉर्मेट, 2 सेमेस्टर सिस्टम लागू, सीसीई औपचारिक तौर से खत्म। कानपुर देहात के नेशनल हाईवे 2 पर चलते ट्रक में लगी आग, फायर फाइटर्स ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया। मुंबई के सैन अस्पताल में एक मरीज के रिश्तेदार का महिला डॉक्टर पर हमला, 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर। महाराष्ट्र के डॉक्टरों की हड़ताल का 4th दिन, बीएमसी ने 548 डॉक्टरों को थमाया नोटिस। महाराष्ट्र के अस्पतालों की सुरक्षा में लगेंगे 1100 गार्ड्स, डॉक्टर्स की मांग पर सरकार ने उठाया कदम। महाराष्ट्र विधानसभा से 19 विपक्षी विधायक निलंबित, बजट पेश होते समय सदन में की थी नारेबाजी। नागपुर में बाइक पर आए बदमाशों ने डीसीपी के पिता को लूट लिया, 1.5 लाख रुपए से भरा बैग लेकर भाग गए। थाने में पुलिस की छापेमारी से बचने के लिए शराब तस्करों ने नदी में फेंका केमिकल, लाखों मछलियों की मौत। अमृतसर की एक सरकारी मीटिंग में पत्नी को लेकर पहुंचे सिद्धू, सूत्रों के मुताबिक पत्नी ने अधिकारियों को दे निर्देश। अमृतसर में सिद्धू ने दोहराया, कॉमेडी शो में काम करता रहूंगा, विरोधियों की बातों से नहीं पड़ता फर्क। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू का मंत्रालय बदलने के संकेत दिए, कहा कॉमेडी शो छोड़ने के लिए दबाव नहीं डालेंगे। जबलपुर हाईकोर्ट ने एनईईटी एग्जाम के लिए आयु सीमा खत्म की, 7 मई को होनी है परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने सूखा प्रभावित राज्यों की लिस्ट से यूपी और ओडिशा का नाम हटाया, 11 राज्यों के मुख्य सचिव तलब किए गए। इलेक्शन कमीशन ने एआईएडीएमके का चुनाव चिन्ह फ्रिज किया है, अब पार्टी का कोई भी गुट नहीं कर सकेगा इस्तेमाल। भारत न्यूज के एडिटर मैथ्यू सैमुअल ने मांगी है सुरक्षा, अज्ञात लोगों पर पीछा करने का लगाया आरोप, शिकायत दर्ज। एमपी के रायसेन में यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, 3 लोगों की मौत, 12 घायल। मदुरई के ऑयल गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर, 50 फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे हुए। पश्चिमी मिदनापुर में कट्टर नक्सली मोदी राम ने पत्नी के साथ किया सरेंडर, नक्सली नेता के खिलाफ दर्ज है 23 केस। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में नेशनल हाईवे 2 पर टैंकर ने कार को मारी टक्कर, कार में सवार एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। दिल्ली में हेलमेट पहनकर आए बदमाश ने एक व्यक्ति की जान ली, ट्रांसपोर्टर के ऑफिस में घुसकर मारी गोली। यूपी के बरेली में ज्वेलरी शॉप के बाहर महिला से मारपीट, गिरवी रखे जेवर वापस लेने गई थी महिला, दुकानदार से लेन देन को लेकर हुआ विवाद। यूपी के मुरादाबाद में 6 साल की बच्ची से रेप, पीड़ित के चाचा पर आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के एटा में इंटरस्टेट गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद की चोरी की 5 लग्जरी गाड़ियां। एमपी के मंदसौर में एक युवक की पीट पीट कर हत्या, 50 रुपए उधार को लेकर कुछ लोगों से हुआ था विवाद। पटना NH30 किनारे पेट्रोल पंप पर लूट, 10 हथियारबंद बदमाशों ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर 1.5 लाख रुपए छीने। गुजरात के राजकोट में अजीब वाकया, बदला लेने के लिए एक व्यक्ति के घर के बाहर लगाया टाइमर बम, आरोपी गिरफ्तार। झांसी में महिला टीचर ने क्लासरूम में जहर खाकर दी जान, सुसाइड नोट में स्कूल मैनेजमेंट और प्रिंसिपल पर परेशान करने का आरोप लगाया। हरियाणा के यमुनानगर में 4 पुलिस वालों पर रेप का आरोप, 2 महिलाओं की शिकायत, देह व्यापार का झूठा आरोप लगाकर बनाया शिकार। यूपी के सीतापुर में गन्ने के खेत पर मिला 4 साल की मासूम का शव, गांव के एक युवक पर रेप के बाद हत्या का आरोप। आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर मिला बीजेपी के मंडल महामंत्री राहुल पचौरी का शव, गर्दन और सिर में चोट के निशान। राजस्थान के भरतपुर में रेड लाइट एरिया में छापा, 6 से ज्यादा लोग गिरफ्तार, तालाब में कूदी 3 लड़कियां, 2 की मौत। भोपाल में 2 मंचलों की जमकर पिटाई, 1 लड़की से सरेआम छेड़छाड़ करने का आरोप। नैनीताल के रामनगर में युवक की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस। मुरादाबाद में महिला होमगार्ड पर एसिड अटैक, बाल बाल बचा महिला का चेहरा, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में हॉरर किलिंग, बेटी की हत्या कर प्रेमी के घर पर फेंकी लाश, पिता गिरफ्तार। धनबाद के बाद रांची में भी गोलीबारी, 1 युवक बुरी तरह से जख्मी, फायर करने वाले निकले अपने ही दोस्त। एमपी के भिंड में हथियारों का जखीरा बरामद, 16 देसी कट्टे और राइफल समेत जिंदा कारतूस जब्त। नोटबंदी के दौरान भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं देने वालों पर कार्रवाई करेगा इनकम टैक्स विभाग, 18 लाख लोगों में से सिर्फ 8,71,000 लोगों ने दिया जवाब।
12 लाख तक सालाना आय वालों को घर खरीदने पर ब्याज में 4% की छूट, स्टैंप ड्यूटी में भी मिलेगी राहत। जूनागढ़ में एक रिसोर्ट पर घूमते हुए 3 शेर सीसीटीवी में रिकॉर्ड, किसी को नहीं पहुंचा कोई नुकसान। धर्मशाला में 12 साल के बच्चे ने किताब लिखकर बनाया रिकॉर्ड, अमेरिका के पब्लिकेशन हाउस ने खरीदे राइट्स। झारखंड के देवघर में किन्नरों ने निकाली 8 किलोमीटर लंबी कलश यात्रा, देश भर के कई हिस्सों से पहुंचे किन्नर। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक संदिग्ध गिरफ्तार, बाल्टीमोर के रहने वाले संदिग्ध पर एक हत्या का आरोप। क्रीमिया में रूस की सेना का आतंक विरोधी अभ्यास, 2000 से ज्यादा पैराट्रूप्स ने लिया हिस्सा। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में 48 शिक्षकों ने निकाला मार्च, ट्रैफिक व्यवस्था प्रभाव। चीन में सामने आया एक ट्रेन का हैरान करने वाला वीडियो, 19 मंजिला इमारत के बीच से होकर गुजरती है ट्रेन। वेनेजुएला में दवाओं की किल्लत के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, गंभीर रूप से बीमार लोगों ने भी लिया इस प्रदर्शन में हिस्सा। राजस्थान के दौसा में एक्टर संजय दत्त ने किए बालाजी के दर्शन, मंदिर के बाहर जुटे फैंस की भीड़। कंगना ने अपने फिल्म के डायरेक्टर केतन मेहता को किया फिल्म से बाहर, अब फिल्म को क्रश करेंगे डायरेक्ट। आलिया भट्ट ने अपने नाम पर रखे गए गेम को किया लॉन्च, गेम लॉन्च को लेकर आलिया दिखी एक्साइटेड। शाहरुख खान ने एक वीडियो बनाकर अनुष्का की फिल्म फिल्लौरी का किया प्रमोशन, 24 मार्च को रिलीज होगी फिल्म। प्रमोशन इवेंट में दिखा अक्षय की पत्नी ट्विंकल का ग्लैमरस लुक, इंटरनेशनल हेयर केयर ब्रांड की है एम्बेसडर। फिल्मफेयर मैगजीन के खिलाफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दर्ज कराया मानहानि का केस, अनजान लड़की से अफेयर का किया था जिक्र।